गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको स्टैंडर्ड 8 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 5। इसके पहले आपको चैप्टर 4 मैंने समझा लिया था, अब चैप्टर 5। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। ओके, अब चैप्टर 5 दोहे। कबीर, रहीम और तुलसी के दोहे, तो दोहे में आपको पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ। साई न इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। फिर से, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब आगे, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपन को जग में हो तो हसाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगी सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी क्या कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यहाँ कबीर जी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार और मैं भूखा ना रहूं और मैं अपने परिवार को पालन पोषण कर सकूं, और मेरे घर से कोई भी भूखा साधु संत कोई भी भूखे ना जाए, इतना मुझे दीजिए। अब आगे, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। क्या, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपन को आपनो जग में हो तो हसाए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हसाए, बिना विचारे। यहाँ पर कबीर जी कहते जो भी बिना विचारे काम करते हैं, बिना सोचकर कुछ भी काम करते, वह बाद में बहुत पछताते हैं, वह खुद का काम तो बिगाड़ते ही है और साथ में दुनिया में उसी हंसी भी होती है। वह खुद का काम तो बिगाड़ते हैं लेकिन उस काम की वजह से वो पूरे दुनिया में हंसी के पात्र बन जाते हैं। बराबर ना, जग में हो तो हंसा, जग यानी दुनिया, बिगाड़े यानी बिगाड़ा, आपन को यानी खुद का। अब आगे कबीर जी क्या कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो यहाँ कबीर जी क्या कहते हैं, यहाँ कबीर जी कहते हैं मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर, क्योंकि बैर भी अच्छा नहीं। बराबर ना, किसी के बैर रखना वो अच्छी बात नहीं है। तो ये कबीर जी के दोहे थे।
तो मैंने कबीर जी के दोहे आपको समझाए। अब आएंगे रहीम के, बराबर। तो रहीम जी अब क्या कहते हैं तो इस पंक्ति में अपने समझेंगे और सुनेंगे। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमन जी क्या कहते वे लोग जे मरे हुए जो कहाँ मांगने जाते हैं, वे लोग मरे हुए जो मांगने जाते हैं अर्थात जीवन में हाथ फैलाने मनुष्य के आगे जाते हैं। जीवन होकर भी मृत्यु के जैसे बन जाते हैं। लेकिन वो तो मांगते हैं, वो मृत्यु मिले उसके पहले जो उनको नहीं देते वह लोग मृत्यु के समान है। जो मांगने आते और उसको नहा कहकर वहां से वो निकाल देते तो मरेले मर गए उनसे भी वो मरे के समान है। अब दूसरे में रहीम जी क्या कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत उसंगत, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी भुजा है। जो रही मना उत्तम प्रकृति का कर सही सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के यानी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की कभी भी कोई संगत असर नहीं करती। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप यानी सर्प लपटे रहता है फिर भी चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलता, तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं वो कभी बुरी संगत के लोगों से कभी नहीं बुरा हो सकता है। इसी तरह चंदन के पेड़ पर जहरीला सांप भी होता है लेकिन कभी चंदन की लकड़ी को जहर छूता नहीं है। अब आगे बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कहे लाख टका मेरो मन। बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, बराबर। तो इस पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते। यहां रहीम जी कहते हैं कि अपने बारे में कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते और करनी चाहिए। जिस प्रकार हीरा भी नहीं कभी कहता कि मेरी कीमत लाख रुपए है, जो इंसान को अपनी बढ़ाई करने की बहुत ही उत्सुकता होती है ना, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। बड़े हैं तो सबको पता ही है कि किस तरह के हीरा कभी बताता है कि मेरी कीमत कितनी है, फिर भी लोग हीरा को पहचान लेते हैं ना। तो इस तरह रहीम जी इस काव्य में समझाते हैं कि लाख टका मेरो मोल, लाख यानि लाखों रुपए और मेरो यानि मेरा, मोल यानि कीमत,
तो हीरा कहता है कि लाख टका मेरो मोल। तो कभी भी किसी का मोल कभी अपने मन से बताना नहीं चाहिए। तो ये दोहे थे, मैंने यहाँ कबीर और रहीम के दोहे समझाए। तुलसी के दोहे मैं कल आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।